Hello friends, myself Santosh and I welcome you on the platform of Namaste English. Friends, we have taken a new initiative to teach you grammar and we will be doing this through the help of news and interesting videos like this. So what to do? You simply need to download our Namaste English app from the Play Store and then simply go to the Daily Khabar option and from there you can read that news article. And then I will be covering that news article daily in this classroom and will be teaching that new grammar tip. So definitely it would help you to improve your grammar part. So let's start. Let's learn something new in today's class. Let's go ahead. So friends, आइए सीखते हैं एक बहुत ही important grammar tip आज के इस वीडियो में, but सीखेंगे इस news के through से, जो कि context भी देगा आपको, ताकि आप कभी भूलो ना, आपको याद रहे सारी चीजें. तो डिफरेंस जानना है हमें इट्स के बीच में. अब आप कहोगे कि सर सुनने में तो दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल एक ही जैसे लग रहे हैं, बट थोड़ा सा फर्क है इनके बीच में, वही जानेंगे. तो आइए देखते हैं स्टार्टिंग टू द एंड, बिना स्किप किए देखिएगा तब ज़्यादा समझ आएगा आपको, ठीक है. डोमिनोज जो कि एक पिज्ज़ा ब्रांड है आपको पता होगा, तो डोमिनोज ऑफर्स ओलंपिक मेडल विनर मीराबाई चानू. आपको पता है ओलंपिक्स गेम चल रहे हैं, समर ओलंपिक्स, जो कि 2020 में होनी चाहिए थे, बट ड्यू टू पेंडेमिक यू नो अब हो रहे हैं जाके. तो वहाँ पे जो अपना पहला मेडल लेके आई हैं, उनका नाम है मीराबाई चानू, वेटलिफ्टिंग में उनके बारे में बताया जा रहा है. तो वो सिंस जीत के आई हैं और एक हेल्प की है इंडिया को एक सिल्वर मेडल जीतने में. तो यहाँ पे जो पिज्जा कंपनी है आपकी डोमिनोज, दे आर ऑफरिंग हिम व्हाट, सो फ्री पिज्जा फॉर लाइफ, पूरे जीवन आजीवन फ्री पिज्जा, जब आओ खा के चले जाओ विदाउट पेइंग एनीथिंग. आफ्टर द ओलंपिक एथलीट हेल्प इंडिया विन इट्स फर्स्ट सिल्वर मेडल एट द टोक्यो ओलंपिक्स. दिस इज ऑल अबाउट यू नो मार्केटिंग, बट ठीक है जो भी है. तो इन्होंने कहा है कि हम फ्री पिज्जा देंगे आपको लाइफ लॉन्ग, आप आइए खा के जाइए, ठीक है. चलिए तो यहाँ पे दोस्तों आप कहोगे कि सर हमें सीखने को क्या मिलेगा, हमारे लायक क्या है, तो वो है आपका डिफरेंस. यहाँ पे फिलहाल लिखा हुआ है आपका इट्स, ठीक है. अगर मैं छोटा आई लिखूं तो आप कहोगे कि ठीक है सर छोटा आई लिख दीजिए, क्योंकि बीच में इस्तेमाल होता है तो हमको ज़्यादा और कंफर्टेबल होगा. तो एक बार आप आई टी एस ऐसे यूज करते हो, और एक आपका होता है आई टी, देखो इट इट्स, जैसे ही हिज हिज हिम आपको याद आया, इट इट्स इट्स इट, आप ऐसे ही करते थे उसको. है आपका प्रोनाउन का ही पार्ट, इट जो है प्रोनाउन का पार्ट है, बट मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ इट्स. और यहाँ पे अगर अपोस्ट्रॉफी लगा के ऐसे हो, पढ़ तो एक ही रहे हो ना, ऐसे थोड़ी बोल रहे हो कि इट्स और वहाँ पे इट फिर अपोस्ट्रॉफी है, ऐसे तो नहीं पढ़ रहे, तो दोनों को ही इट्स बोल रहे हो कि. बट यहाँ पे मेन चीज क्या है कि डिफरेंस क्या है यहाँ पे. इट्स मतलब होता है इसका, ठीक है, इसका, या फिर जिस भी बारे में बात को उसके हिसाब से आप चेंज करोगे. जैसे यहाँ पे मीनिंग क्या निकलेगा मैं आपको बताता हूँ. और जो ये अपोस्ट्रॉफी लगा के इट्स है, इसका मतलब है इट इज, ये शॉर्ट फॉर्म है इट इज का. तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इट इज, अगर मैं कहता हूँ इट्स माई होम, इट्स माई होम, तो इसका तो वाला सेंस तो गायब हो गया यहाँ पे. इट्स माई होम मतलब मैं कह रहा हूँ कि इट इज माई होम, समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ. अगर मैं कहता हूँ इट्स माई होम, यह मेरा घर है, तो यहाँ पे यह है, यह मतलब, और है का आपका इज हो गया, यह है, तो यही तो मतलब दे रहा है, यह है मेरा घर है, तो इट इज यह है, यही सेंस दे रहा था, बोलोगे लेकिन इट्स, ठीक है. तो आप कहोगे कि सर इट्स का कहाँ यूज होता है, ठीक है. तो मैं कहता हूं कि आयरन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी. तो आयरन जो है लोहे में बिजली का प्रवाह होता है, बिजली चलती है इसमें, मतलब आप छोगे तो करंट मारेगा अगर उसमें तार लगा हुआ है तो, ठीक है. तो आयरन जो है कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कैरी करती है, ठीक है. इट इज इट्स प्रॉपर्टी. अब देखो, अब बोलना चाहते थे आप तो कैसे बोल सकते थे, इट्स इट्स प्रॉपर्टी, बट आप कह लो चलो ठीक है, आप बोल रहे हो कि इट इज इट्स प्रॉपर्टी, यह इसकी प्रॉपर्टी है, इसका या फिर इसके या फिर इसकी,
यह है, इसकी प्रॉपर्टी है कि वो बिजली को पास होने देती है। तो इसकी ये इट्स किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, इसको रिप्लेस करके, और प्रोनाउन हमेशा नाउन को ही रिप्लेस करके इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इट जो है वो आपको पता होगा कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ही शी तो नहीं बोलोगे ना, इट ही तो बोलोगे क्योंकि नॉन लिविंग है आपका आयरन। तो यहाँ पे इसलिए बोल रहे हो कि आयरन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। जब नेक्स्ट लाइन में इसको फिर से रेफर करोगे तो इट इज इट्स प्रॉपर्टी, या फिर मतलब आप तो ऐसे बोलोगे कि इट इज इट्स प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी है कि वो बिजली को कंडक्ट करती है। तो ये पॉइंट मेरे को समझाना था दोस्तों कि इट्स इट्स दोनों में क्या डिफरेंस है। वो इट इज का ही शॉर्ट फॉर्म है, और इंडिया विन इट्स फर्स्ट सिल्वर मेडल एट द टोक्यो ओलंपिक। तो इट्स जो है यहाँ पे इंडिया से संबंधित है, इंडिया विन इट्स, इंडिया से संबंधित है कैसे कि इंडिया का फर्स्ट मेडल लाने में इन्होंने जो है हेल्प करी है। तो इंडिया सिंस आपका कोई जेंडर तो है नहीं ना यहाँ पे कि मेल है कि फीमेल है, तो नॉन लिविंग है मान लो इसके टाइप से। तो अगर देखा जाए तो प्रोनाउन में आप क्या दोगे, इट नाम दिया आपने, तो इंडिया विन इट्स, इंडिया की पहली मेडल, इंडिया की पहली मेडल के सेंस में यहाँ पे यूज हो गया है आपका, ठीक है। तो किसने जीतने में हेल्प करी है, मीराबाई चानू, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर दैट शी हेल्प्ड अस, ठीक है। और बाकी ये आपके जीके का क्वेश्चन बन सकता है, आगे देखते रहिएगा इसके बारे में, ठीक है। और मैं यही चाहूँगा आपको कि इस चीज़ के लिए आप और प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने बताया अगर ये समझ नहीं आया तो एक बार पीछे जाके थोड़ा सा और वीडियो को देखिए, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए इस चीज़ को, क्योंकि आप बहुत बार जो है इसमें गलतियाँ करते हो, ठीक है। सो इस टाइप से जो वीडियोस मैं लाता रहता हूँ आपके लिए, छोटी छोटी वीडियोस जहाँ पे आपके कन्फ्यूजन्स डाउट्स जो है वो क्लियर करता रहता हूँ मैं छोटे से ग्रामर टिप के थ्रू से। तो ऐसी वीडियोस को प्लीज़ मिस मत कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल नोटिफिकेशंस जो है ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को अगर अच्छे से आपने देख लिया और समझ आ गया, मेरी मेहनत पसंद आ गई, तो लाइक करने में बिल्कुल भी जो है कसर मत छोड़िए, लाइक करिए दबा के, ठीक है। और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एज ऑलरेडी यू हैव बीन टोल्ड, एंड प्लीज़ share this video among your friends. We'll meet you in the next video. Have a great day ahead. Thank you.